यह आज हम मूली के परांठे बना रहे हैं। तो यह मूली हमने कद्दूकस करके के इसमें नमक डाल दिया था, 5 मिनट इसे नमक डाल के छोड़ दिया तो इसमें से सारा पानी निकल गया। अब इसमें मसाले डाल दिए, उसकी उसमें मूली भर के रख दिया और इसको सेक रहे हैं। खाए के और दिखाया जाए उसे कहाँ था। और अब ये तवे पर सिकने के लिए रख दिया है। अब मैं करूंगी, जाओ गोबर पा जाओ आया कि नहाओ। ये तवा हुए, ये घी है और ये पराठा अब पलट दिया है। और ये परांठा दोबारा से पलट दिया है। यह अब इस पर घी लगाएंगे। तू पूछ रही नूनू है कह, नूनू काम हैगा कह हैगो तेन पूछी कर ले। इस पर घी लगा दिया है, इसे पलट दिया है, फिर इस पर दूसरी साइड में भी घी लगाएंगे। ये पलट के भी इस पर घी लगा दिया है, ये पलट दिया है फिर, और ये पराठा पलट दिया है। ये पराठा अब ये रेडी हो गया है। दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। और उधर मम्मी पराठे बना रही हैं और उधर पापा खाना खा रहे हैं। वो खेत से आए हैं सरसों में पानी लगा करके। सुबह का टाइम है, अभी पापा खाना खा रहे हैं। घर की भैंस की मठा की ये रायता स्पेशल लस्सी बनाई हुई है ताजा, और ये सब्जी और ये मूली का पराठा। उधर मम्मी खाना बना रही हैं।
और ये देसी चूल्हे पर पराठे बन रहे हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये चौक है यहाँ पर, ये भेड़ आई हैं। ये सर्दियों के मौसम में ये पेड़ है, ये नीम का ये कटवाया है पेड़ के मालिक ने, तो ये भेड़ है इसको खाने आई हैं, चारा खाने। वो पुनीत भेड़ और बकरियों के बीच में खड़ा है और ये भेड़ खाना खा रही है। अब ये भेड़ अपने घर जा रही है।